शहर के हुड़केश्वर पुलिस कार्यालय में चोरी की घटना सामने आई है, जिसमें आईटीसीआई कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर अल्ताफ हाजी अहमद हड़पा इनके गोदाम में यह चोरी हुई है, जिसमें कुल मिलाकर 30,15,000 रुपए का माल चुरा है। शहर के हुड़केश्वर पुलिस थाने में आईटीसीटी के डिस्ट्रीब्यूटर अल्ताफ हाजी अहमद हड़पा इनके गोदाम में चोरी की घटना सामने आई है, जिसमें चोरों ने गोदाम का शटर तोड़कर गोल्ड फ्लेक प्रीमियर सिगरेट के दो खोके, गोल्ड फ्लेक लाइट सिगरेट के दो खोके, गोल्ड फ्लेक किंग सिगरेट के दो खोके, साथ ही कैश रूम में रखे 5 रुपए व 10 रुपए कॉइन की दो पॉलीथिन, ऐसा कुल मिलाकर 30,15,000 का मुद्देमाल चुराया है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। दिनांक 3/2/2020 पुलिस स्टेशन हुड़केश्वर येथे फिर्यादी आहेत अल्ताफ हाजी अहमद हड़पा यांच्या रिपोर्टवरून अज्ञात आरोपी विरुद्ध आपण गुन्हा दाखल केलेला होता चोरीच्या बाबतीत, आणि त्यामध्ये आपण 3 आरोपींना अटक करण्यात आलेली आहे, आणि त्या 3 आरोपींकडून एकूण फिर्याच्या रिपोर्टप्रमाणे 30,15,000 रुपयांचा मुद्देमाल आपण हस्तगत केलेला आहे। आणि त्याप्रमाणे आरोपी आहेत, त्याच्यामध्ये एक आरोपी आहे सौरभ सुनील कुमार गुप्ता, वय 18 वर्षे, राहणार प्लॉट नंबर 28A पवार नगर हुड़केश्वर। दुसरा आरोपी आहे संजय रामलाल शाहू, वय 26 वर्ष, राहणार प्लॉट नंबर 2 श्यामनगर हुड़केश्वर रोड नागपूर। आणि तिसरा आरोपी आहे संजयचा भाऊ आहे राजेश रामलाल शाहू, वय 28 वर्ष, राहणार श्यामनगर हुड़केश्वर। यामध्ये एकूण किती चोरी होती, कसं ती चोरी केली होती? यामध्ये फिर्यादीचे गोल्ड फ्लेक प्रीमियम सिगारेटचे 2 खोके होते, किमती 5,40,000 रुपये। दुसरं ब्रँड होतं त्याचं गोल्ड फ्लेक किंग सिगारेटचे 2 खोके, किमती 8,10,000 रुपये। तिसरं ब्रँड होता गोल्ड फ्लेक लाईट सिगारेटचे 2 खोके, किमती 8,30,000 रुपये। आणि चौथं होतं क्लासिक माइट सिगारेटचे 2 खोके, किमती 8,20,000 रुपये। असा टोटल मुद्देमाल आणि त्याच्यासोबत फिरीच्या ऑफिसमध्ये ठेवलेले नगदी 5 व 10 रुपयाचे 2 कॉईनच्या पिशव्या, 2 कॉईन भरलेल्या प्लास्टिकच्या थैल्या होत्या, त्या आरोपीने चोरल्या, नगदी 15,000 रुपये, असा 30,15,000 रुपयांचा मुद्देमाल त्यांनी चोरला होता। आणि पूर्ण मुद्देमाल आपण आरोपींकडून रिकवर केलेला आहे। अटक झाल्या रोपेचा काय यापूर्वी रेकॉर्ड आहे? त्याच्यामध्ये संजय रामलाल शाहू हा रेकॉर्डवरचा गुन्हेगार आहे, त्याच्याविरुद्ध 302 घरफोडी, 302, 324 शरीराविरुद्धचे गुन्हे, अशा प्रकारचे गंभीर गुन्हे त्याच्यावरती दाखल आहेत। आणि त्याला या अगोदर 2 वेळेस त्याला तडीपार देखील करण्यात आलेला आहे, आणि पुढील गुन्ह्याचा तपास सुरू आहे। फिर्यादी द्वारा अपेक्षा व्यक्त की गई है कि पुलिस जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करेगी। मेरा नाम अल्ताफ अहमद है, मैं ऑरेंज डिस्ट्रीब्यूटर का प्रोप्राइटर हूँ। हम लोग ITC कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर है। 3 तारीख के दिन हमारे यहाँ पे जब हम लोगों ने यहाँ पे मंडे के दिन शटर खोला, तो हमने यहाँ पे पाया कि एक शटर हमको टूटा हुआ मिला। जब हमने वहाँ पे चेक किया तो हमें लगा, हमें स्ट्राइक हो गया हमारे यहाँ से कुछ चोरी हुआ है। जैसे कि ITC के डिस्ट्रीब्यूटर, हमारे पे सिगरेट, आटा, नूडल्स सारा चीज़ आता है, पर जब मैं आटा नूडल्स को देखा तो वहाँ से तो कुछ चोरी की खबर नहीं पता चली, लेकिन सिगरेट की कुछ पेटी हमारे यहाँ से गायब होती हुई दिखी। जैसे हमको ये पता चला कि चोरी हुआ है, तो सबसे पहले हम लोगों ने हुड़केश्वर पुलिस थाने में को क्या नाम वाघमारे साहब से मुलाकात की, और वाघमारे साहब को ये चीज़ बताई। जिस तरह से हमने वाघमारे साहब को ये चीज़ बताई, वाघमारे साहब तुरंत एक्शन में आए, अपनी सारी टीम को लेकर तुरंत हमारे साथ हमारे ऑफिस पहुंच गए। थोड़ी देर में ACP साहब भी यहाँ पे आ गए और सारे टीम स्क्वाड यहाँ पे अपना काम करने लगी। उन आके हमारा CCTV जब खंगाला तो उन्हें एक आरोपी दिखा और हमें भी एक आरोपी दिखा जो शटर तोड़ रहा है। रात को करीब 1:12:55 के आसपास शटर रोड के अंदर आ रहा था वो, और उसने कुछ माल लेके गया हुआ है। आगे की जांच जो है वो पुलिस कर रही है, बट इसमें हमारे पुलिस की जो काम है वो सराहनीय है। उन्होंने काफ़ी चुस्ती और फुरस्तू के साथ ये काम किया, और बहुत ही जल्द वो आरोपी को भी शायद पकड़ लिया गया है, ऐसा हमें नॉलेज है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागड़े के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।